नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इंसेंडिस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएटिव लैब का, मतलब हम लोग का नहीं, ये क्रिएटिव का एक होम थिएटर है, इंस्पायर M2600। और इसमें ये चालू नहीं हो रहा है और ये एडाप्टर से ये चलता है, मतलब डीसी पावर सप्लाई से, तो इसे लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक बल्ब होता है पीछे में स्विच की जगह पे, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, तो ये ऑन कर दिया तब भी ये ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर से देखिए, इधर ये कनेक्टेड है, बिल्कुल इधर ये इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, तब भी यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये एडाप्टर दिया गया है, ये एडाप्टर है नहीं दरअसल, तो मैं ये क्या है दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसे इस साइड में रखते हैं और यहीं पे आपको दिखाता है, ये 12 वोल्ट का है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 2.9, मतलब ये 3 एम्पियर से अच्छे से काम करता है, लेकिन 2 एम्पियर भी अब यहाँ पे लगा सकते हैं। तो शायद इसमें ही प्रॉब्लम हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये 200 वोल्ट में रखते हैं और यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा है और इसमें से हम वोल्टेज को चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0.0 वोल्ट आ रहा है। तो गाइज ये ही खराब हुआ है, लेकिन ये खराब होने से पहले इसमें अंदर में कुछ खराब हो जाते हैं कई बार, तो इसे चेंज करने से पहले इसे भी चेक करना होगा आपको, इसके अंदर जो डायोड का रेक्टिफायर सेक्शन है उसको, तो इसमें इसको खोलना होगा पहले। इसमें कुछ स्क्रू वगैरह नहीं दिया गया है, मतलब ये लॉक के थ्रू ये इसमें जॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे खोले, ये आधा अधूरा टूट गया है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि जो बाहर का ट्रांसफार्मर आपके पास आएगा वो काम नहीं करेगा। चलिए मैं इसी को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, वरना ये शॉक भी लग सकता है इधर। मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए मैं इसे ओपन कर दिया, देखिए ये जो पूरा का पूरा बक्सा है यही इसका ट्रांसफार्मर है, सिर्फ यहाँ से एसी वोल्ट ही निकाल रहा है, क्योंकि इसमें कोई ब्रिज रेक्टिफायर नहीं दिया गया है, और ये मोटा वाला तार से इसका आउटपुट है आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसे चेक करेंगे कि इसका कौन सा सेक्शन अभी खराब हुआ है, तो पहले ये बाजार मोड में रखेंगे, देखिए आप ये डायोड मोड या फिर बाजार मोड कहते हैं इसे, तो इसमें रखने के बाद हम अभी इधर गाना वाना चल रहा है, तो इसीलिए मैं कॉपीराइट बचाने से, मतलब उसके लिए मैंने ये ब्लर चालू करके रखा हूँ, मतलब कि इधर बहुत गाना वाना बज रहा है और ढिंचक पूजा भी बज रहा है इधर। तो देखिए पहले प्राइमरी का जो कॉयल है उसे चेक करेंगे, तो ये देखिए कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, और इधर हम इसका जो ये वायर है वायर को भी चेक करेंगे, शायद इसका तार भी बर्न हो गया है। देखिए ये वाला तार में से ये कनेक्शन आ रहा है, लेकिन इसमें मैं अगर इसको पलट के चेक करता हूं तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों तार में कुछ क्वांटिटी नहीं हो रहा है, मतलब ये कॉर्ड अभी सही है,
लेकिन दोनों तार में से कोई क्वांटिटी नहीं आ रहा है। तो चलिए आउटपुट को चेक करते हैं, आउटपुट सही है तो इसका इनपुट गया है, खत्म हो गया है इनपुट, तो इसकी जरूरत हम लोगों का है नहीं, सिर्फ ये कॉर्ड की जरूरत है। तो कॉर्ड को उखाड़ लेंगे इधर से दोनों कॉर्ड को, और इसका कुछ पोलैरिटी नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं। तो देखिए ये इधर से मैं इसे निकाल दिया और अभी इसको यहां से खोलेंगे। तो देखिए इसे मैं ओपन कर दिया, और गाइस अब इसका ये जो एसी कॉर्ड है इसे भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन ये तो अंदर से चिपका हुआ है तो इसे हम लोग काट के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे काट के बाहर निकालते हैं। और ये निकाल दिया बाहर, और अब इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें तो ट्रांसफार्मर फीड नहीं होगा। अभी हम लोग 2 एम्पियर का लाया, लेकिन आपको 3 एम्पियर अगर आपने दे दिया उसमें तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। देखिए ये 2 एम्पियर का इससे भी बड़ा है तो इसमें फीड कभी नहीं होगा। ठीक है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ये इसमें फीड नहीं होगा और इसको हम लोग फीड करेंगे दूसरी जगह पे। और लेकिन इससे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे एक बार, क्योंकि इसमें जो डायोड रहता है ब्रिज रेक्टिफायर वो भी खराब हो सकता है, तो इसके लिए इसको ओपन करना होता है। मैं ओपन करके इसे चेक करके कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, तो गाइस वो डीजे का साउंड ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए मेरा ब्लोअर का साउंड भी और थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया, और इसे ये सब कुछ स्क्रू मैं निकाल दिया इसमें से। तो अब इसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, और ये बहुत पुराना मॉडल है लेकिन काफी अच्छा है, ये 2008 के बीचों बीच ये मॉडल मार्केट में आए थे और 2009-10 तक ये चले थे और अभी भी चल रहा है आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा मॉडल है। तो देखिए इधर से ये 12 वोल्ट का पिन जो इनपुट होता है एसी, ये देखिए 12 वोल्ट 12 वोल्ट एसी इन, तो इसमें से आपका ये देखिए 4 डायोड दिया गया है इसमें। तो हम ये डायोड को चेक कर लेते हैं पहले, अगर ये 4 में से एक अगर खराब हो गए तो तब आपका शॉर्ट सर्किट दिखेगा। ओके, मतलब वो शॉर्ट कर देगा फिर से ट्रांसफार्मर को। तो चलिए इसे एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जितना सारा डायोड है उसमें से आपका वैल्यू आ रहा है मेरा, तो इसे एक एक पिन को अलग अलग करके चेक करना होगा मेरे को। तो मैं ऐसे करता हूं, अब देखिए अब देखिए ये दोनों सही है, तो इसे हम लोग वापस लगा देंगे। ये चेक करना आपको भी चाहिए क्योंकि देखिए काम कर दिया छोटा सा और पैसा भी ले लिया, लेकिन अब अगर फिर से उसको खराब हो गए तो गलत इम्प्रेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसे भी चेक करना चाहिए। ओके,
तो इसे मैं दोबारा लगाया, और इधर से इसे भी खोलेंगे। और ऊपर से चेक करेंगे। ये सही है। और इसे अभी नहीं खोला मैं अभी तक, तो इसकी दोनों साइड से इसमें वैल्यू आ रहा है, तो इसे भी खोल के चेक करना होगा। लेकिन काफी दिक्कत वाला है कि ये बोर्ड को निकालना होगा। या तो फिर यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है इसे आप डिस्कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे खोल के ही चेक करेंगे। चलो ऊपर से इसे खोलेंगे। नहीं, ऐसे गलत तरीका ये करेंगे, इसे चेक करके हम लोग लगा देते हैं। और मैं ये सब डायोड को चेक करके देखा कि इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट है नहीं, ठीक है। सिर्फ कंफर्म करने के लिए खोले थे इसे, तो ये सब कुछ ठीक ही है। और अब इसमें देखिए 120 जो सेक्शन है, इसमें हम इसका ये जो कॉर्ड है इसे लगाएंगे, और इसे एक बक्सा के अंदर इसे उसे सेट करना होगा। तो 120 सेक्शन में इसे पहले सोल्डरिंग कर दीजिएगा। जीरो ये साइड में जीरो है, अगर आपने पलट के लगाया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पर सही ढंग से चलने के लिए जीरो जहां पे है तो उस साइड में जीरो को ही लगाना होगा। मतलब ये बॉडी जीरो है, बॉडी का बॉडी जो है ये जीरो है, तो सही ढंग से चलेगा। लेकिन पलट के लगाने से भी सही ढंग से चलेगा, लेकिन इसका जो देखिए ये चला कितना टाइम, अभी 2018 चल रहा है और ये खरीदे थे 2009 को, इतना लॉन्ग चलता है। ओके, और ये एसी साइड में 230 सेक्शन जो है एसी का, इस साइड में इसका जो एसी कॉर्ड था उसे लगाएंगे। और इसे सिक्योर करने के लिए इसे सोल्डरिंग करेंगे। और इसमें मेरे को देना होगा ब्लैक टेप,
ब्लैक टेप है नहीं, रेड टेप है, तो रेड को लगाएंगे और इसको सेट करके भी आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मतलब कि इसे कैसे डेकोरेट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जल्दी से जाओ और 4x4 बॉक्स लेके आओ इलेक्ट्रिक का दुकान से। हाँ ये तो चले जाओ सिद्धुल का आगे चल, छोटा दुकानदार सिद्धुल का बेची दाम ले। सिद्धुल का वही आगे थे, सिद्धुल का वही नहीं पड़े, वही बिल्डिंग है। हाँ 4x4 बॉक्स ये फोन करो आओगे। तो अभी इसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये लगा दिया और इसे एसी सप्लाई में लगाऊंगा फिर से। तो देखिए इधर लाइट भी जलने लग गया, सॉरी इधर लाइट भी जलने लग गया आप देख सकते हैं। ओके और ये निकाल दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल चलेगा और काफी अच्छे से भी चलेगा। तो गाइज मैं थोड़ा सा और वेट करवाऊंगा आपको, क्योंकि इसके इसको हम सेट करने जा रहे हैं अभी एक कैबिनेट के अंदर। तो इसे सेट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो सिक्योर है नहीं, और इस साइड में भी टेप करेंगे, ठीक है। तो टेप करके उसे सेट करके मैं दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और। तो गाइज यहाँ पे ये 4x4 बक्सा मैं लाया हूँ प्रीति प्लास्ट का, और इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है कि देखिए ऐसा ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो हम लोग ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करके ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि ये गर्म जो होगा इसमें गर्म हवा पास हो जाएगा ये यहाँ से, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और इसे अच्छा बक्सा भी मिलता है मार्केट में, लेकिन हम लोगों ने यही खरीदा क्योंकि इसमें काम बढ़िया हो जाएगा। और ये देखिए मैं ट्रांसफार्मर को सेट करने के लिए यहाँ पे दो होल बनाया इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से इसे डाल के यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। और सेट करने के बाद ये बिल्कुल सब सही हो जाएगा, मतलब कि तो गाइज यहाँ पे हम जुगाड़ करेंगे। और ये देखिए पूरा का पूरा लगा दिया, और अभी इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये कटन। कटन डालने के बाद यहाँ पे ये ऐसे कटन डालेंगे, और मतलब रुई रुई डालने के बाद इसमें ऐसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे फेविक्विक सुपर ग्लू है, और ये क्विक है, मतलब काम इसका जो होता है ये क्विक करता है, तो इसके लिए आपको फेविक्विक थोड़ा सा चाहिए। और इसके बाद जो 2 घंटे वाला ग्लू है उसे लगाएंगे बाद में, लेकिन पहले इसे लगाएंगे। ओके और देखिए यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ इसे, और इसे ऐसे लगाने के बाद इसे ऐसे यहाँ पे फिक्स करूंगा। फिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पे भी ये देखिए इधर मैं लगा दिया, और इधर भी हम फेविक्विक डालेंगे। ओके तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड से लग गया है, और अब सुपर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर से। और अब यहाँ पे ये सुपर ग्लू कैसे तैयार करते हैं आपको तो पता होगा, आपने देखा होगा शायद मेरा वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं कैसे ये तैयार करते हैं। और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, और भी ये फिक्स हो जाएगा, मतलब एकदम लोहे जैसा फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसे लगा रहा हूँ, और इसे दूसरी साइड से भी लगाना होगा, ठीक है। तो ये लगा दिया, और ऊपर से भी थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है। अगर अगर नहीं लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाना जरूरी है क्योंकि ये ऊपर का जो स्पेस है ये ब्लैंक रहेगा, मतलब कि इसमें हवा आने जाने के लिए ये ब्लैंक स्पेस रहेगा, तो इसीलिए इसे लगाना होगा आपको। और अगर नहीं लगाया तब भी कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अब ये तार को ऐसे ठीक से इसमें फिट करने के बाद इसका जो टॉप है ये इसे यहाँ पे फिट करना होगा, और फिट करने के बाद यहाँ पे 4 स्क्रू आपको लगाना होगा। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है, और यहाँ पे यहाँ से हवा निकलेगा, और बहुत ही अच्छे से ये कूल भी रहेगा, ठीक है।
तो और एक बार इसे फाइनली फाइनल टेस्ट करेंगे। तो देखिए इसे मैं लगा दिया यहाँ पे, और लगाने के बाद इसमें पावर डाल रहे हैं। देखिए पावर यहाँ पे आ चुका, सॉरी, देखिए पावर आ चुका है। और इसका एक जो ब्रोकन ट्रांसफार्मर है ये आप देख सकते हैं, मैं इसे निकाले थे, इसका जो तार था इसको यहाँ पे लगाने के लिए इसे निकाले थे। देखिए ये देखिए मैं इसको ब्रोकन कर दिया एकदम पूरा का पूरा। इसका आउटपुट सिर्फ अच्छा था, लेकिन इनपुट जो प्राइमरी सेक्शन है वो जल गए थे। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये पूरा का पूरा स्टेप बाय किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया आप लोगों को। तो कैसा लगा ये वीडियो, और आप ऐसे कर सकते हैं घर पे, ठीक है, दुकानदार के पास अगर नहीं गए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये तार को मतलब आपने अगर सोल्डरिंग भी नहीं किया तब भी ये चलेगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा भाई जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और नया नया वीडियो आपको मिलते रहेगा, ये तो जानते हैं आप लोग। सो गाइस बाय बाय, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।